हेलो सर, सर सबसे पहले तो आप कल वाले फॉर्मले फिर से लिखवा दो। धर्म बनता है सर आपका भी और हमारा भी लिखना, तो अपन अपने उसको थोड़ा तो खराब करेंगे, अपने भजन को। ये अपना बेटा कुर्बत है खुदा की, ये अपने को बोलते ना एक प्रकार से प्रेयर है। फॉर्मले लिखना अपने लिए प्रेयर के समान है बेटा, और प्रेयर करे बिना खाना नहीं खाते तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो सर लॉजिक क्या बता रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री अगर अपनी माता है तो फॉर्मले अपने देवता है, बिना फॉर्मूले के तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। और कल जो बच्चों ने साथ चले मेरे साथ उनको पता है सर, अगर फॉर्मूले याद हो तो दुनिया जीत लेते हैं अपन। ठीक है यार बेटा, अगर तेरी इच्छा हो फॉर्मूले याद हो दुनिया जीत लेंगे बेटा अपन, कोई मतलब नहीं किसी और से अपने को। चलो यार बेटा क्या करना चाहते हो, बोलो बोलो। सारे फॉर्मूले लिख रहे हो क्या? और जो बातें अपन ने रस्ते में लिखी थोड़ी सी, उन बातों को भी चलते चलते लिख के चलेंगे। चलो यार सर ये फॉर्मूले हो गए। सर एक नई बात आपने ये बताई थी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा। और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और सर टेन का भी ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। तो आप हमेशा सर बोलते रहते हो कॉस से डर नहीं लगता साहब, साइन और टेन से लगता है। कॉस से डर नहीं लगता साहब, साइन और टेन से लगता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सर थोड़े से और फॉर्मूला आपने सिखाए थे क्या? कुछ कुछ बच्चों को तो ये फॉर्मूला भी सिखा चुका हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या था बेटा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है सर। और आपने सर ये भी सिखाया था कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है यार सर, अगर अपन बात करें तो यहां तक समझ में आ गया हो तो बोलो बेटा। चलो बेटा अंदर घुस रहे हैं ना बेटा, तो कल अपन ने सिर्फ टॉपिक पढ़ा था, आज टॉपिक के अंदर घुस रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल तो रहेगा बेटा। तो शैल वी स्टार्ट? चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x दिस होल अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉट 3x इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? कॉट 3x। तो अगर बच्चों को समझ में आया सर कैसे करना है, सबसे पहले तो ना इन दोनों की जोड़ी बनाना, क्योंकि ये दोनों थोड़ा इवन समाएगा ना इन दोनों का, क्योंकि अपने को हर पता है डिवाइड बाय टू करना पड़ता है। और नीचे से इन दोनों की जोड़ी बनाना, सर बीच वाले को साइड में लिख दे क्या? हाँ बीच वाले को तू वाले साइड में लिख दे, मतलब कॉस 3x को पहले लिख दे और बाकी का कॉस सी प्लस कॉस डी। बता बता कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? सर टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। यहां पे तेरे पास क्या हो गया? साइन 3x टू साइन 4x प्लस 2x बाय टू कितना होता है? कॉस 4x माइनस 2x बाय टू। तो सर ठीक है समझते हैं अपन। तो सर ये क्या हो गया? आपने नीचे तो क्या लगाया? साइन, और ऊपर क्या लगाया? कॉस। ठीक है सर देखते हैं अभी क्या आता है। तो अगर बच्चे बोले तो बताओ तो ऊपर क्या चल रहा है? कॉस 3x प्लस यहाँ पे क्या चल रहा है? टू कॉस 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 3x। तो टू कॉस 3x और ये शायद हो जाएगा कॉस एक्स, चेक कर लीजिएगा बेटा। नीचे क्या आ जाएगा? साइन 3x और यहाँ पे क्या आएगा? टू साइन 3x अगेन कितना आ जाएगा? कॉस एक्स। तो सर क्या लगता है, अगर ऊपर से बोलो तो ऊपर से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या इन दोनों में से? सर हाँ कॉस 3x कॉमन निकाल सकते हो। तो आप कॉस 3x कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये कॉस 3x कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अगर यहां से आप साइन 3x कॉमन निकाल लोगे तो साइन 3x अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट
ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 2 cos x, ये और ये क्या हो गए कैंसल, तो बचा कितना cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, और cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा cot 3x, ये क्या हो जाएगा cot 3x, ठीक है सर। तो क्या ये cot 3x हो गया क्या बेटा, हाँ यार बेटा ये cot लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। सर पेटीएम क्वेश्चन है 3 रुपए का, पेटीएम क्वेश्चन है 3 रुपए का, तो सर कैसे होगा, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a इज इक्वल टू टेन 4a, इज इक्वल टू व्हाट टेन 4a, ये प्रूव करना है। मैं देखो थोड़ी सी हिंट दे देता हूं अगर चाहिए तो, ये 1 और 7 मिला के 8 होते हैं और 5 और 3 मिला के 8 होते हैं, 1 और 7 मिला के 8 होते हैं और 5 और 3 मिला के ऐड होते हैं, अगर ऐसी जोड़ियों के साथ क्वेश्चन किया जाए तो शायद सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही करा क्या, पहले और आखिरी वाले की जोड़ी बनाई होगी तो वो आया होगा 2 sin 7a + a/2 cos 7a - a/2, और इन दोनों की जोड़ी बनानी होगी तो आया होगा 2 sin 3a + 5a/2 cos 5a - 3a/2, ठीक है सर समझते हैं इस चीज को भी। सर नीचे क्या होगा, होगा cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos (7a + a/2) cos 7a - a/2, ठीक है सर, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 cos (5a + 3a/2) cos (5a - 3a/2), क्या बात कर रहे हो सर, हाँ यार बेटा यही तो बनेगा ना, अब अगर यही बनेगा तो गेम देखना बेटा फिर कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 sin 4a, ठीक है सर 2 sin 4a, cos कितना 3, cos 3, यहाँ पे कितना आ रहा है वापस से सर 2 sin 4a cos a, cos कितना a, ठीक है सर, बता अपॉन में कितना आ रहा है, देखो सर अपॉन में आ रहा है 2 cos 7a + a, कितना हुआ 8a divided by 2 कितना हो गया 4a, ठीक है सर, और यहाँ पे कितना आ रहा है cos 3, ठीक है सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 2 cos 4a, और फिर कितना आ रहा है cos a, ठीक है सर। सर क्या इधर से और इधर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो पता नहीं क्यों ऊपर तो मुझे 2 sin 4a कॉमन दिख रहा है, अगर बच्चे अलाउ करें तो ऊपर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 2 sin 4a, अगर 2 sin 4a कॉमन आ गया तो यह आ जाएगा cos 3a प्लस cos, ठीक है सर। नीचे क्या आ रहा है 2 cos 4a, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा cos 3a प्लस cos, क्या बात है सर, और ये से ये क्या हो गया कैंसल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, अभी सर मजा किस बात का है बताना बच्चे, क्या बच गया sin 4a अपॉन cos 4a, sin 4a अपॉन में cos 4a, और sin 4a अपॉन में cos 4a क्या होता है tan 4a, ये क्या होता है तुम्हारे पास tan 4a, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन है मेरे पास cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos a प्लस b प्लस c प्लस cos कितना a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 cos a + b/2 cos b + c/2 cos a + c/2, पहले तो क्वेश्चन की नजाकत तो देख, क्या बोल रहा है यार ये, तो सर ये क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है, तो क्या करें स्टार्ट, बोलो हो जाए बात। सर सबसे पहले इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी, ठीक है सर आप जैसा बोलो, तो स्टार्ट करते हैं बता cos a plus cos b क्या होगा, कम ऑन 2 cos a plus b by 2
बी प्लस सी बाय टू। वाह सर, कॉस ए प्लस बी बाय टू, कॉस बी प्लस सी बाय टू। यहां पे क्या होगा, टू कॉस सी प्लस ए प्लस बी प्लस, या ऐसा बोल दें ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ये देखना बेटा, एक ए प्लस बी प्लस सी है और एक सी है, एक ए प्लस बी प्लस सी है और एक क्या है, सी। तो टू कॉस ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, कॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाय कितना, टू। ठीक है सर, थोड़ा सा गेम को आप समझाने की कोशिश करो, माहौल को लाइट करो सर। बेटा लाइट करते ना अपन, कैडबरी लाइट खाएंगे अपन। टू कॉस ए प्लस बी बाय टू, कॉस बी प्लस बाय टू। ठीक है सर, और सर इधर क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाय टू। तुम्हारी कसम यहाँ पे रखो, नहीं बोल रहा है मुर्तजा, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बाय टू होगा, तो सॉरी यार ए माइनस बाय टू, सही है मुर्तजा। देखना बेटा नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा करूंगा, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉमन ले लूंगा, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इधर भी है इधर भी, दोनों जगह से टू कॉस ए प्लस बी बाय टू कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी बाय टू प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू। सर आप ये कॉमन ले लोगे? हाँ यार बेटा ये कॉमन ले लूंगा, और बताऊ मैं क्या करूंगा, बताऊ मैं इस पूरे को मान लूंगा पी, इस पूरे को मान लूंगा सी, और इस पूरे को मान लूंगा डी। तो बता कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, बता कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है। सर आप इस पूरे को सी मानोगे, उस पूरे को डी मानोगे? हाँ बेटा इस पूरे को सी, उस पूरे को डी, तो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू तो चलता रहेगा, बता कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है। सर कॉस सी प्लस डी ये हो जाएगा टू कॉस सी, मतलब क्या a माइनस बी बाय टू प्लस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू के होल डिवाइड में कितना आएगा, टू। सर क्यों, क्योंकि बेटा मेरे बेटा सुनना यार राजा, ये पूरा क्या है c, ये पूरा क्या है d, तो ये तेरा c तो ये तेरा d, तो टू cos c प्लस डी बाय टू, आगे 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 बेटा cos c माइनस डी बाय टू, मतलब क्या cos a माइनस बी बाय टू माइनस ए प्लस बी प्लस टू सी बाय टू, और इसके भी होल डिवाइड बाय टू। तो सर ये होल डिवाइड बाय टू हमको प्रॉब्लम दे रहा है, अरे बेटा जो ये डिवाइड बाय टू है, जो तेरा ये डिवाइड बाय टू है, ये तो सिर्फ सी है ना बेटा, जो तेरा ये डिवाइड बाय टू है तो सिर्फ डी है, तो ये सी माइनस डी और डिवाइड बाय टू तो होना ही चाहिए। सर थोड़ा रुक जाओ, अब मैनू दस ते आराम से दस, ये टू नू तू बाहर ले ले, तो यहाँ पे बाहर एक टू चल ही रहा था, देख ले रहा बाहर एक टू चल रहा है, तो उस टू को तू बाहर ले ले, तो सर ये टू टू बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फोर कॉस ए प्लस बी बाय टू, और सर ये पूरा क्या बचेगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है बच्चे समझे कि सर ये माइनस बी है ये प्लस बी, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, तो सर माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, आप समझो सर माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा कॉस ए प्लस टू सी बाय टू और एक और बाय टू, ठीक है। और इधर बात करूं मैं, अगर उधर बात करें तो इस ए से वो ए कैंसिल हो जाएगा, इस ए से वो ए कैंसिल हो जाएगा, और बताऊं क्या बचेगा कॉस माइनस बी माइनस बी माइनस टू सी बाय टू और बाय टू, भाई दो बाय टू था ना बेटा, तो ये बाय टू और बाय टू। ठीक है सर, कॉस में तो आपको पता ही है सर माइनस से डर नहीं लगता, मैंने बोला हाँ यार बेटा कॉस में माइनस से डर नहीं लगता, इधर क्या चलेगा 4 cos a plus b by 2, बताइए क्या बच गया। सर देखो ये cos हो जाएगा twice of a plus c by 2 by 2, मैंने बोला ठीक है बेटा मान लेते तेरी बात, cos twice of कितना a plus c by 2 by 2, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो माइनस को हटा, सर माइनस को क्यों हटाऊं, क्योंकि cos में माइनस से डर नहीं लगता, तो cos माइनस भी क्या होता है पॉजिटिव ही हो जाता है, तो मैं इसको लिख दूं क्या ट्वाइस ऑफ, माइनस नहीं लिख रहा हूं बेटा, सर आपने माइनस को क्यों हटा दिया, अरे बेटा कॉस है ये, कॉस में माइनस से डर नहीं लगता, कॉस में माइनस से डर नहीं लगता। सर ये टू से टू कैंसिल, ये टू से टू कैंसिल, और सर सच बोले तो अब अपना आंसर चेक कर लियो आराम से, आपका आंसर मेरे ख्याल से आना चाहिए फोर
cos a plus b by 2, come on, cos a plus c by 2, come on, cos b plus c by 2, यही अपना आंसर हो सकता है। और सर क्या यही आंसर है? हाँ सर, सर क्या ऐसा क्वेश्चन